सबसे पहले मैं अपने टिपरा मोथा वॉरियर्स, YTF वॉरियर्स, TWF बुमा बदल वॉरियर्स, TCF और TISF वॉरियर्स को हम भाई बोलना चाहता हूँ। आपने हमें सपोर्ट किया और आज एक छोटा सा चिकन पार्टी आज त्रिपुरा में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनके आ चुका है। लेकिन मैंने और एक चीज नोटिस किया है कि इलेक्शन के बाद हमारे बहुत लीडर्स लोग घर में बैठे हैं, उनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए, बुबागरा का माइंड में क्या है। आज आपको बुबागरा क्लियरली बोल रहा है, आने वाले एक महीने के अंदर अगरतला में हम दो दिन का प्लेनरी सेशन, नेशनल एग्जीक्यूटिव सेशन हम लोग करेंगे और उस टाइम पार्टी को नीचे से ऊपर तक हम बदलेंगे और नया जान डालेंगे। हम सब जानते हैं कि जब तक हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मिलता है, हमें हमारा भविष्य, हमारा त्रिपुरा का भविष्य खतरे में है। आज भाषा खतरे में है, आज भविष्य खतरे में है, आज आइडेंटिटी खतरे में है, आज हमारा जमीन खतरे में है। आज हमें अगर कुछ मिलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमें एक आवाज में बात करना पड़ेगा, चुप बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं पार्टी को बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सेंट्रल लेवल से और कोर कमिटी से बदल के नया जान देना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये एक महीने के अंदर आप लोग क्या काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, बूथ प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, एमडीसीज, ईएम्स, एमएलए, सब लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि अपने एरिया में आप अगले एक महीने के अंदर प्रोग्राम कीजिए, ज्वाइनिंग कराइए और पार्टी को स्ट्रांग कीजिए। गांव में जहां में पानी का प्रॉब्लम है वहां में जाकर हेल्प कीजिए, लेकिन अपने आप को ग्राउंड में लाइए। ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है आपको। आपको बनाया है हमारे त्रिपुरा ने, आपको बनाया है हमारा त्रिपुरा का वोट ने, और आपका ड्यूटी बनता है कि आने वाले दिन में आप अपने तोहफा के साथ खड़े रहे, ना कि नेता बनकर आराम से बैठे। जो लोग सब जोनल चेयरमैन से, जो लोग जोनल चेयरमैन से, आपको ये जगह आज मिला है कि आप अपने दोहफा के लिए काम करें, ये कॉन्ट्रैक्ट गिरी का जगह नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप एक सिंपल वर्कर बनके काम कीजिए। आने वाले एक महीने में त्रिपुरा मोथा पूरा पार्टी को चेंज करेगा, जमीन से ऊपर तक रिस्ट्रक्चर करेगा। जो लोग काम करेंगे, जो इसने काम किया है, वो पार्टी में उनको जगह मिलेगा। लेकिन जिसको पोस्ट मिलकर वो कुछ नहीं कर रहा है, जिसने दूसरे पार्टी को हेल्प किया है, उनको आइडेंटिफाई करके पार्टी से मुक्त किया जाएगा। ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि आने वाले धनपुर इलेक्शन में, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में त्रिपुरा मोथा को क्या स्ट्रेटजी लेना चाहिए ये हमको डिसाइड करना है। पार्टी में क्या नया जान डालना चाहिए ये हमें डिसाइड करना है। अगरतला के प्लेनरी सेशन में हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 40 से 50 लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं अपने एमएलए, ईएम्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो इस एरिया के लीडर्स हैं, उनको मीटिंग रखकर आप लोग लिस्ट हमें दीजिए। दो दिन तक उनका खाना पीना रहना का खर्चा मैं देखूंगा। लेकिन त्रिपुरा मोथा को एक ऐसा पार्टी बनना है जो अपने देश के लिए, अपने दोहफा के लिए फाइट करेगा, ना कि त्रिपुरा मोथा को दूसरी पार्टी जैसा बनना है जो इलेक्शन जीतने के बाद चुप बैठ जाता है। मैं जमीन में आकर फाइट करने के लिए तैयार हूं और मुझे वॉरियर्स चाहिए। और वॉरियर्स वही होता है जिसके अंदर कमिटमेंट होता है। वॉरियर्स वो नहीं होता है जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम भाषण देते हैं और तब बैठ जाते हैं। मैं फिर से अपने एमएलए, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, कोर कमेटी मेंबर्स, सबको, जोनल चेयरमैन, सब जोनल चेयरमैन, सबको बोलना चाहता हूं कि आप अपने एरिया में जाइए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, मीटिंग रखिए और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिनिमम 30 से 50 लोग TWF, YTF, त्रिपुरा मोथा, TCF, बुरुई बदल, TISF, सबसे मैं चाहता हूं कि वो लोग इस फर्स्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव जो अगरतला में होगा उसमें अटेंड करें। 1000 हो, 1200 हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उनको आना चाहिए और उनको अपना दिल का बात रखना चाहिए और मैं भी अपना दिल का बात उस दिन रखूंगा। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल, आप सबको मैं आपको प्यार करता हूं और आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है,
हमारा मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हमारा ग्रेटर टीप्रान हमको नहीं मिलता है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। जाइए जाइए और गर्व से कहिए दैट वी आर प्राउड टू बी अ टीप्रासा। जाइए और गर्व से कहिए कि ये पार्टी दूसरे पार्टी से अलग है। जाइए और ये पार्टी को अंदर से बदलिए, क्योंकि ये पावर आपके पास है। ये पार्टी आपका है, ये पार्टी जाति का है, और ये जाति को अगर हमें उठाना है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन, हमारा भविष्य के बारे चिंता करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब हमारा थंसा रहेगा। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा।